कैसे हैं आप लोग? आज हम आ गए एक ऐसी मीटिंग में जहां सिर्फ मास्टर बोलता है और उसको लोग कहते हैं PTM। अरे भैया आराम से यार, आप तो चल लोगे, रुक जाओ भैया आराम से यार। ये आपका जो है ना यार, लोगों कुछ ना कुछ, कोई आर्चरी में अच्छा होता है, कोई क्रिकेट में अच्छा होता है, इसमें कोई टैलेंट नाम की चीज ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है, ना पढ़ाई करता है यार। टैलेंट की बात कर रहे हैं, ये डोमिनो से फोन करके पिज्जा हट का नंबर ले लेता है, ये बिजली के झटकों से ऊर्जा प्रोड्यूस कर लेता है, हथनी के सूंड पे बैठ के सूर्य नमस्कार कर लेता है, कैक्टस की झाड़ से ये बंजन कर लेता है, और तो और सूअर के साथ ही कचरा चुग लेता है, और इसके अलावा ये बीट टू बूटी भी कर लेता है। चल मम्मी, बैठो बैठो। कौन है? सर ये मेरे चाचा हैं, इनका नाम है समीर सुद्दीन। माय ग्रैंडफादर लव सुद्दीन। अच्छा ये देखिए, आपका भतीजा बिल्कुल पढ़ता नहीं है, इसने पूरी आवारागर्दी कर रखी है, मेरे को भी तंग रखता है, पूरे स्कूल को तंग रखता है, और इसका ये दोस्त है ना वो रणछोड़ दास, वो तो इससे भी ज्यादा गया गुजरा है। मेरा बस चले ना तो इन दोनों को स्कूल से नहीं शहर से निकाल दूं। अब वो भूतिए। ओह नो। सर एक्चुअली ये चैको बे और सैको फै बोलते हैं। तेरा खुद का तो फिजिक्स वाली टीचर के साथ चक्कर चल रहा है, जब दो को उसके साथ बुम्मा बाटी करता रहता है, और कोई काम नहीं है तेरे को, इनको पकड़ के बुला लेता है तू, इतने सरी से ही लड़के। अगर भूतियों के सौदागर, अगर अगली बार तूने मेरे को मीटिंग में बुला लिया ना, तो समोसे की बटनी इस नाक से डाल के इस नाक से निकाल दूंगा, समझा क्या? ठीक है आप निकलिए। ठीक है। अरे मास्टर जी क्या दिक्कत हो रही है? मेरे तो हाल ठीक है जी, लेकिन ये जो आपका लड़का है ना, ये बिल्कुल एकदम देसी गवारों की तरह रहता है, इसे अंग्रेजी का ना एक भी अक्षर नहीं आता, यहाँ तक कि अंग्रेजी का पेपर भी ना हिंदी में लिख के आता है। ठहर जा, धुन दोरे दादरी, दादरी दोरे ठहर जा, प्रिंसिपल की लड़की से नू कह रही कि उसे बिन बिहार ले जा, ताड़ी तब आ दिया कर। ओहो आप तो अपने आप को बड़ा धन्ना सेठ समझते हो, कौन हो भैया आप हैं? तू हमें ना जानता, सेठों में सेठ, डोगरा साहब सेठ, बाकी सब फोटो स्टेट। अरे तो वही मास्टर है ना जिसके घर में जवान छोरी है, घर में पैसा की बोरी है। ये क्या बोल रहे हो आप हैं? ज्ञान रखियो मारे छोरे का, तेरे स्कूल में पढ़ेगा, पीटीएम में ना बुला लियो बाद में। चल बे दोस्तों, बहुत सारी पेटीएम मीटिंग आपने अटेंड करी होगी, बहुत सारी पेटीएम मीटिंग के बारे आपने सुना होगा, आज हम आपको लेके आए ऐसी पेटीएम मीटिंग में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, ये है हमारी टीचर, ये है हमारा लड़का, आप आए हैं पेटीएम मीटिंग में, चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई शुरू करते हैं, करते हैं भाई शुरू करते हैं, आराम से भाई, ठंडे ठंड रखो आराम से। आपका यार ये जो भाई कुछ करता ही नहीं है यार, इसे एक दिन मैंने असेंबली में न्यूज़ बोलने को बोला तो इसने टेक न्यूज़ के नाम पर सारी जियो न्यूज़ सुना दी। इस बात पर लाइक तो बनता है, क्लास में कभी भी टिफिन की अनबॉक्सिंग कर देता है, और तो और जब इसे होमवर्क देते हैं ना तो लोगों से होमवर्क करा के गिव अवे करता रहता है, ऐसे थोड़ी चले गए यार स्कूल में। देखिए जिस प्रेजेंट में आपने अपने स्कूल की फीस रखी हुई है, आपको उसमें फेस अनलॉक सिक्योरिटी सिस्टम और फिंगरप्रिंट स्कैनर अटेंडेंस सिस्टम भी देना चाहिए, जैसा कि आपको मिलता है रियलमी एक्स स्कूल में। उम्मीद है आपको ये पेटीएम बहुत पसंद आया होगा, अगर आपको कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही नई पेटीएम में, तब तक जय हिंद जय भारत। देखो भाई साहब ये जो भी है ना आपका यार, ये बिल्कुल बचकाना हरकत करता है, एकदम बच्चों जैसा बिहेव करता है, एक दिन ये चौक खा गया, दूसरे दिन इसने डस्टर चाट मारा, फिर इसने मेरे साथ विषमरित खेला, इसे वो रूल ही नहीं पता सात बटाई वाला, ऐसे कैसे चलेगा यार, कुछ करो यार इसका। आप समझ नहीं रहे, मैं समझ गया हूँ, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि फर्स्ट सेकंड क्लास में जो बैग लेके जाता था वही ग्यारहवीं बारहवीं में लेके आता है, इसको एक्चुअली चाहिए देखिए मैच्योर बैग, मैच्योर बैग एक बैग है जो 1500 रुपये का अमेजोन पर मिलता है, बहुत अच्छी लेदर क्वालिटी का है, अगले पीटीएम में आपको दिखाऊंगा भी इसके साथ ला के, तो अगर ये वो पहन के आएगा तो आपको स्टाइलिश, स्टैंड आउट और एकदम ही मस्त लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, इसको एक्चुअली मैच्योर बैग चाहिए, मैं दिलाऊंगा टेर को। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है इसको दिला दो यार, वो दिला दो, गलती होगी दिला दो। यो 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 जो बुआ जिगर के छल्लो, कैसे हो? आ गए हम आज नई मीटिंग के अंदर जिसका नाम है PTM, और ये मीटिंग बहुत ही मस्त होने वाली है क्योंकि हम मिल रहे हैं दो तीन महीने बाद इस PTM के अंदर। क्यों छोटू? हाँ हाँ भाई ठीक है, जोश मारने की क्या जरूरत है भाई। देखो भाई आपका ये जो है ना, ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता बिल्कुल, हर चीज़ के प्राइस टैग बताता रहता है, कभी गाड़ियों के कभी डांसिंग कार करता रहता है, और ये बताता रहता है दिल्ली के चोर बाजार में ये मिलता है वो मिलता है, पढ़ाई नहीं करता बिल्कुल भी।
यो 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 सर, इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, सब कुछ तो है इसके पास, लाख रुपए की घड़ी है, 10 लाख की कैब जेब में रखा, कैश अपनी पूरी है, यो यो जिगर के छल्ले, यो 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 ओए जिगर के छल्ले, अब तेरा भाई भी करेगा तेरे साथ बल्ले बल्ले, यो 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 ओ मास्टर मेरे जिगर के छल्ले, यो यो तू भी चल मेरी डांसिंग कार में, चल यो। हाँ तो सर आ गए क्या? नहीं अभी तो रास्ते में हूँ। मेरे पापा जी एक्चुअली क्या हुआ, कल रात को मेरे पापा जी मेरे सपने में आए थे कि मैं तेरे पोते के अंदर आ रहा हूँ, तो ये है मेरे, मैं पापा जी मानता हूँ इनके सबसे। हाँ नमस्ते कर। एक्चुअली क्या है कि वो 11वीं क्लास से मैं 33वां फेल हो गया, आपके दादाजी मेरे को पढ़ाते थे, आपके पापा ने मेरे को पढ़ाया, फिर आपने मेरे को पढ़ाया, और पूरी किसी को मैथ्स नहीं आती, पूरी की मेरी फैमिली फालतू है, मैथ्स की जगह ABCD पढ़ाते रहते, A+B=C, कहाँ से पास हो जाऊँगा, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। आपके तो पापा ही नहीं, आपके पेरेंट का है, मैं तो लिया इसको अपना पेरेंट बना के, आपके पेरेंट है ही नहीं, कहा की पेरेंट टीचर मीटिंग, एक काम करो अपने पापा जी को लेके आओ और साथ में लूडो ले आना, बात करने में तो कुछ है नहीं, लूडो खेल लेंगे, ठीक है क्या, चलो मिलते हैं। हाँ चल भाई। अच्छा जी गलती हो गई, अपने पेरेंट को लेके आऊंगा तभी करेंगे मीटिंग, धन्य हो जी आप निकलो। DishaMadhulika.com में आपका स्वागत है। नमस्ते मैडम, आपका भी स्वागत है इस हमारी मीटिंग में। आपका जो मैडम ये है ना, देखो एक तो पढ़ाई नहीं करता बिल्कुल भी, ऊपर से मैं इसको जब पनिशमेंट देता हूँ तो कहता है कि सर आप बहुत ज़्यादा सुसाई करते हो मेरी, अब बताइए मैडम मैं क्या करूँ। देखिए पिटाई कीजिएगा होमवर्क अनुसार और पनिशमेंट अनुसार सुताई कीजिएगा, अगर बच्चों को डंडा शाही पनीर में भिगो के मारेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट लगता है, अगर आप ऐसा मारेंगे तो उनको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। मैडम देखिए आप ही बताइए मैं इसको कैसे पढ़ाऊँ, मतलब क्या पढ़ाऊँ क्या, मतलब समझ नहीं आता ना कुछ। देखिए स्कूल में ऐसी पढ़ाई कराइए कि वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और पौष्टिक हो और लड़का जहाँ जाए वहाँ तड़का लगा दे। जी मैडम मैं बिल्कुल इसको पौष्टिक पढ़ाऊँगा, ऐसा तड़का लगाना सिखाऊंगा ना इसको, बस हर बुक में तड़का लगाएंगे। ठीक है मैम जाइए आप।